एक दिल होकर एक मन होकर इस 40 काल में प्रभु के 5 जख्मों पर मनन चिंतन करें, प्रभु के वो क्रूस के रास्ते को अपनी आत्मा से देखें कि प्रभु ने कैसे वो क्रूस का रास्ता तय किया और कैसे हम सबों के लिए अपने प्राण उस क्रूस पर निशावर कर दिए। ये केवल और केवल प्रभु का आभार प्यार था, ये उसका आभार प्यार था हमारे प्रति, हमारे घरवालों के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति, हमारे रिश्तेदारों के प्रति, एक एक जन के प्रति। आइए सब जन वो ही प्रार्थना को प्रभु के समक्ष रखें कि हे मेरे राजा, आपने मेरे लिए उस क्रूस को प्रभु जी उठाया, उस क्रूस के रास्ते को प्रभु जी अपनाया पिता परमेश्वर, केवल और केवल मेरे लिए। प्रभु जी मैं वो पलों को याद करता हुआ प्रभु जी आज इस करुणामाला विनती में भाग लेता हूं। प्रभु जी आइए सब जन एक दिल होकर एक मन होकर मेरे साथ मिलकर इस करुणामाला में शामिल हो जाएंगे। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, और हम तुझसे प्यार करते हैं, 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 यीशु तेरी वंदना 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 करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, तुझसे प्यार करते हैं, आत्मा तेरी वंदना 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 करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझसे प्यार करते 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 हैं। जनों आत्मा और हृदय की सच्चाई से ईश्वर की स्तुति करते जाएं, दया की भीख मांगें, अपने परिवार के लिए संरक्षण पाने के लिए प्रभु से प्रार्थना करें।
प्रभु का स्वर्गदूत आप लोगों को संरक्षण प्रदान करे, पवित्र आत्मा आप लोगों पर अधिकार ले, अपना मन और आत्मा परमेश्वर की ओर उठाएं, शुद्ध हो जाएं और प्रभु की आशीष को ग्रहण करें। पिता तेरी वंदना करते हैं, पिता तेरी वंदना करते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, जीवन तेरे चरणों में रखते हैं, हम तुझे प्यार करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं, हम तुझसे प्यार करते हैं। प्रभु का वचन यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 43 पद संख्या 5 में हम पढ़ते हैं, डरो नहीं मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं पूर्व से तुम्हारे वंशजों को लौटाऊंगा, मैं पश्चिम से तुम लोगों को एकत्र करूंगा, तुम भयभीत ना हो, डरो मत। क्या मैंने बहुत पहले यह नहीं बताया और इसकी भविष्यवाणी नहीं की? तुम्हें निराशा नहीं होगी, घबरा मत, तुझे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। जी हां प्रियजनों, प्रभु हमें आश्वासन देता है इस वचन के द्वारा। आइए आज हम प्रभु की कृपा पर भरोसा रखते हुए प्रार्थना करें और अपने निवेदन प्रभु को समर्पित करें। प्रेरितों का धर्मसार, हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर में विश्वास करते हैं और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए कुमारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतियुस पिलातुस के शासन काल में दुख भोगा, वह क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए और अधोलोक में उतरे, वह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग गए, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की दाहिनी ओर विराजमान है, वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, शरीर के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं, आमीन। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर पूरी हो, हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में, धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय, आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसी वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी, आमीन। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं, उनके दुखों के नाम पर हम पर और सारे संसार पर दया कर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं
पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और सारे संसार पर दया कर। ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, मैं पापों में डूबा, ऐसा डूबा, ऐसा डूबा, आँखों में थे आंसू, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, सबने छोड़ा, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार, पर तू आया मेरे जीवन में, लेके मुक्ति, लेके प्यार। यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय, यीशु तू है महान, तेरी जय, तेरी जय, तेरी जय। प्रियजनों, दूसरा भेद हम समर्पित करते हैं अपने परिवारों के लिए, माता पिता के लिए, बुजुर्गों के लिए, हमारे घरों से जो चल बसे हैं, जो इस दुनिया से चल बसे, परलोक से धार गए हैं, प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। हमारे भाई बहनों को, नवयुवक युवतियों को बुराई से प्रभु बचा के रखे, नशे की दुष्ट आत्मा से और तमाम बुराइयों से प्रभु इन्हें छुड़ाए। शैतान के सारे बंधन यीशु के सामर्थी नाम से जला कर राख करते हैं। प्रभु आप सभी लोगों को हिम्मत और सांत्वना दे। प्रभु का वचन कहता है कि आप लोग हर समय आत्मा में सब प्रकार की प्रार्थना और निवेदन करते रहें, सब संतों के लिए विनती करते रहें, निरंतर आप लोग प्रार्थना करते रहें, सब बातों के लिए ईश्वर को आप धन्यवाद दें, क्योंकि ईसा मसीह के अनुसार आप लोगों के विषय में ईश्वर की यही इच्छा है। इसलिए बड़ी भक्ति के साथ प्रभु की दया की याचना करते जाएं और पांच घावों पर मनन चिंतन करते हुए प्रभु से क्षमा मांगें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर
हम पर और हमारे परिवार पर दया कर, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, हम पर और हमारे परिवार पर दया कर। तीसरा भेद, समर्पित करते हैं नवयुवक युवतियों के लिए, बच्चों के लिए। प्रभु की आत्मा इन्हें अपनी ओर आकर्षित करे, प्रभु का वचन इन्हें जीवन में शांति, सांत्वना, हिम्मत और चंगाई प्रदान करे। शैतान के सारे हमले परमेश्वर के सामर्थ्य नाम से विफल हो जाएं। शैतान इन बच्चों को, नवयुवक युवतियों को प्रलोभन में डालने ना पाए। मध्यस्थता करते जाएं, प्रभु की दया की भीख मांगें। प्रभु का वचन शोक गीत अध्याय 2 पद संख्या 14 और उससे आगे हम पढ़ते हैं कि तुम अपने बच्चों की प्राण रक्षा के लिए प्रभु के सामने हाथों को उठाकर गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, चिल्लाते हुए भोर में उठ के प्रार्थना करो। आइए इस वक्त हम अपने भाई बहनों के लिए, नवयुवक युवतियों के लिए और बच्चों के लिए प्रार्थना करें और प्रभु उनमें क्षमा करें, उन पर दया करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर
युवक युवतियों एवं बच्चों पर दया कर, युवक युवतियों और बच्चों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, युवक युवतियों और बच्चों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, युवक युवतियों और बच्चों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, युवक युवतियों और बच्चों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, युवक युवतियों एवं बच्चों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, युवक युवतियों एवं बच्चों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, युवक युवतियों एवं बच्चों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, युवक युवतियों एवं बच्चों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, युवक युवतियों एवं बच्चों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, युवक युवतियों एवं बच्चों पर दया कर, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा, युवक युवतियों एवं बच्चों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, युवक युवतियों एवं बच्चों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, युवक युवतियों एवं बच्चों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, युवक युवतियों एवं बच्चों पर दया कर। तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तो बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तो बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तो बढ़ता जा, तो बढ़ता जा, मैं कम होता हूँ, तो बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तो बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तो बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। रोमियों का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 26 और उससे आगे। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम नहीं जानते कि हमें किस तरह प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों के द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। प्रभु यीशु कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्या 22 में, जो कुछ तुम विश्वास के साथ प्रार्थना में मांगते हो वह तुम्हें दे दिया जाएगा। इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे यूक्रेन देश के लिए और रशिया देश के लिए। प्रभु इन दोनों के मुखिया के मनों में अपनी प्रेम और शांति को प्रदान कर, इन दोनों में संधि की वार्ता हो जाए। ए प्रभु यीशु, इन दोनों देशों पर दया कर। जितने भी लोग निर्दोष मारे गए हैं उनकी आत्मा को शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, हमारे देश पर, देशवासियों पर दया कर। तेरे इन बच्चों पर जो इस वक्त दया की भीख मांग रहे हैं, इन्हें अपनी आशीष से भरपूर कर। सभी बीमारों को चंगाई प्रदान कर। हे प्रभु यीशु, तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले। तू रोगशैया पर रोगी का बिस्तर बदलता है। तेरा ये वचन इन बीमार लोगों के जीवन में पूरा हो जाए। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर
सभी रोगियों को चंगा कर, सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों को चंगा कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी रोगियों को चंगा कर। तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा कलाम दिल में रखा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा वादा हर एक सच्चा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है, तेरा ही नाम सबसे अच्छा है। दिल की माला में पिरोता हूँ, दिल की माला में पिरोता हूँ, तो बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तो बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तेरे लहू से पाप धोता हूँ, तो बढ़ता जा मैं कम होता हूँ, तो बढ़ता जा मैं कम होता हूँ। अंतिम भेद हम समर्पित करते हैं सभी पुरोहितों के लिए, धर्माध्यक्षों के लिए, संत पिता फ्रांसिस के लिए। जो उठना टेक सकते हैं टेक लें, हाथों को उठा सकते हैं तो उठा लें। ये अनुग्रह का समय है, क्षमा की याचना करने का समय है। प्रभु अपने तमाम याजकों को, पुरोहितों को शुद्ध करे, पवित्र करे, विश्वास और दृढ़ता का वरदान उन्हें प्रदान करे। इसलिए हम अपने हाथों को उठाकर विशेष रूप से प्रभु ने जिनको चुना, अभिषिक्त किया, अपनी प्रजा की देखभाल करने का कार्यभार सौंपा है, इस वक्त एक मन एक प्राण होकर तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करें। सेवक सेविकाओं के लिए, धर्म बहनों धर्म बंधुओं के लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान पिता, हम अपने और सारे संसार के पापों के लिए पश्चाताप करते हुए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का दिव्य शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता तुझे चढ़ाते हैं। उनके दुख भोग के नाम पर सभी पुरोहितों पर दया कर, सभी पुरोहितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु
एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों पर दया कर। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के दुख भोग मृत्यु एवं पुनरुत्थान के द्वारा सभी पुरोहितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों पर दया कर। हे ईश्वर, तू परम पवित्र है, सर्वशक्तिमान और अमर है, सभी पुरोहितों पर दया कर। करुणा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, अपने पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर। हमारे माता पिता, भाई बहन, अधिकारियों, नेताओं और हमारे द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे। हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर, हमें अपना बनाकर पवित्र आत्मा के द्वारा संचालित कर। आमीन। प्रभु यीशु ने कहा, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु यीशु, हम तेरे निमंत्रण को स्वीकारते हुए अपने आप को, प्रियजनों को, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी पुरखों को तेरे पवित्र हृदय में समर्पित करते हैं। सभी भाई बहनों को, विशेषकर सभी दीन दुखियों, निराश और हताश लोगों को, शराब एवं नशे की गुलामी में पड़े सभी भाई बहनों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पण करते हैं। हे प्यारे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र हृदय करुणा और प्रेम का सागर है। अपने पवित्र हृदय के अगाध प्रेम में हम सबको, हमारे प्रियजनों को डुबाने की कृपा कर। हम अपने हृदय के सभी पाप, घमंड, घृणा, क्रोध, गुस्सा, जलन, वासना, कठोरता एवं अन्य बुराइयों को तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन की सभी चोटों को भी तेरे पवित्र हृदय में चढ़ा देते हैं। हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र हृदय के असीम प्रेम से हमारे हृदय, मन, आत्मा, चेतन और अचेतन मन को भर दे और सभी अंदरूनी चोटों से हमें मुक्ति दिलाने की कृपा कर। हे अति मधुर यीशु, हम अपने शरीर के अंग अंग को, जो कष्ट और पीड़ा एवं रोगों से ग्रसित है, तेरे पवित्र हृदय में अर्पित करते हैं। हम अपने हृदय के हर डर, भय, घबराहट और अशांति को भी तुझे सौंपते हैं। तेरे पवित्र हृदय के अगाध प्रेम के मधुर स्पर्श से हमारे शरीर, मन, आत्मा के हर कष्ट और पीड़ा को चंगा करने की कृपा कर। आमीन। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे क्रिस्त हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे प्रभु हम पर दया कर। हे क्रिस्त हमारी विनती सुन। हे क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर। स्वर्गवासी पिता ईश्वर हम पर दया कर। पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्तिदाता हम पर दया कर। पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर। पवित्र त्रित्व एक ईश्वर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सनातन पिता के पुत्र के हृदय हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो कुमारी मरियम के गर्भ से पवित्र आत्मा के द्वारा बनाया गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो सत्यवता ईश्वर का शब्द है हम पर दया कर। यीशु के हृदय असीम प्रताप से युक्त हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर का पवित्र मंदिर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सर्वोच्च का तंबू हम पर दया कर। यीशु के हृदय परमेश्वर का भवन और स्वर्ग के द्वार हम पर दया कर।
यीशु के हृदय प्रेम से जलती हुई अग्नि हम पर दया कर। यीशु के हृदय न्याय और प्रेम का भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय भलाई और प्रेम से भरपूर हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब गुणों के अथाह समुद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब प्रकार की स्तुति के योग्य हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब हृदयों के राजा और केंद्र हम पर दया कर। यीशु के हृदय समस्त प्रज्ञा और ज्ञान के भंडार हम पर दया कर। यीशु के हृदय ईश्वर की पूर्णता हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिससे पिता अत्यंत प्रसन्न है हम पर दया कर। यीशु के हृदय जिसकी पूर्णता में हम सभी ने पाया है हम पर दया कर। यीशु के हृदय धीरज और दया से परिपूर्ण हम पर दया कर। यीशु के हृदय प्रार्थना करने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय जीवन और पवित्रता का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय अपमानों से दुखित हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो हमारे पापों के कारण कुचला गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय मरण तक आज्ञाकारी हम पर दया कर। यीशु के हृदय जो बर्छी से छेदा गया हम पर दया कर। यीशु के हृदय हर दिलासा का झरना हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारा जीवन और पुनरुत्थान हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारी शांति और मिलाप हम पर दया कर। यीशु के हृदय हमारे पापों की बलि हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझमें आसरा रखने वालों की मुक्ति हम पर दया कर। यीशु के हृदय तुझमें मरने वालों का आसरा हम पर दया कर। यीशु के हृदय सब संतों का आनंद हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हे प्रभु हमारी विनती सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। हे प्रभु के हृदय कोमल और दीन हमारे हृदय को अपने हृदय के समान बना दे। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु की आशीष और रूह का दुगना मसा आप पर उतरे। बीमारों को चंगाई मिले। निराश लोगों को प्रभु हिम्मत और सांत्वना दे। जो मन से उदास हैं जिनके हृदय टूट चुके हैं प्रभु उन्हें हिम्मत और सांत्वना दे। हमारे पूरे संसार पर शांति विराजित हो और विशेष रूप से यूक्रेन और रशिया के बीच में प्रभु संधि की वार्ता हो जाए। हम प्रार्थना करते हैं हमारे निवेदनों को सुन और उन्हें पूरा कर। दया करने वाले चंगा करने वाले जीवन दाता यीशु राजा हम तेरे चरणों में आए हैं तेरी आराधना करते तेरी महिमा गाते हैं। हे पिता ईश्वर तू अपने परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के हृदय पर दया दृष्टि डाल तेरी इस प्रजा पर दया करने की कृपा कर। जितने भी लोग ऑनलाइन प्रार्थना में एक मन एक हृदय से प्रार्थना कर रहे हैं दया की भीख मांग रहे हैं हे प्रभु यीशु इन पर अपनी दया प्रदर्शित करने की कृपा कर। तेरा वचन इनके जीवन में पूरा हो जाए इनके बिजनेस में इनके परिवार में इनके खेत खलियानों में इनके दाम्पत्य जीवन में युवावस्था में आशीष प्रदान कर। इनके घरों से गुजरे हुए हर एक व्यक्ति की आत्मा को शांति मिले। तंत्र मंत्र जादू टोने में जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें आजाद कर। शैतान के सारे षड्यंत्र तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से कुचलते हैं। हे प्रभु चालीसे की इस तपस्या के दौरान बहुत से लोगों को मन परिवर्तन का वरदान मिले विश्वास में दृढ़ता का वरदान मिले तेरी आत्मा इन पर अधिकार ले। हे प्रभु यीशु इनकी प्रार्थनाओं को सुनने की कृपा कर। मैं तेरा दास मूसा के जैसे तेरे नबियों के जैसे प्रेरितों के जैसे इन हाथों को उठाता हूँ प्रायश्चित करता हूँ तेरी इस प्रजा के लिए जो बड़ी आग्रह के साथ तुझसे प्रार्थना कर रही है। हे प्रभु इन पर दया करने की कृपा कर। निसंतान माता पिता को बच्चे का वरदान दे। जिन्हें बुद्धि की कमी है प्रभु यीशु उन्हें बुद्धि का वरदान दे। जिन्हें शारीरिक कमजोरियां हैं समस्याएं हैं प्रभु उन्हें आजाद कर। तेरा पवित्र लहू इनकी नस नस में हड्डियों की मज्जा तक में दौड़ने लगे
और इन्हें चंगाई प्राप्त प्रदान करने की तू कृपा कर। हमारी ये प्रार्थना सुन ले हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। आइए सब जन अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए प्रभु की हजूरी को मानते हुए आप जहां कहीं भी हैं प्रभु के सामने दंडवत हो जाइए, प्रभु का जलाल पाने के लिए, उसका नूर पाने के लिए, उसका सामर्थ पाने के लिए। आइए सब जन अपने सरों को झुकाएंगे। सबको जय यीशु की। प्रभु की आशीष में आप बने रहें। संध्या 7 बजे फिर आपके साथ मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, वचन की घोषणा होगी और उसी के साथ चंगाई की प्रार्थना होगी। तब तक के लिए प्रभु की आशीष में बने रहें। गॉड ब्लेस यू।